सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एहतिसाम गेमर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जानेंगे कि जीजी माउस प्रो को एक्टिवेट कैसे करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए आपका फ़ोन, उसके बाद आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। उसके बाद सर्च बार में सर्च करना होगा जीजी माउस प्रो एप्लीकेशन को। उसके बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जीजी माउस प्रो को ओपन करना है। उसके बाद आपको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है वायरलेस एक्टिवेशन, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहीं से आपका जीजी माउस प्रो एक्टिवेट होगा। तो मैं अभी वहीं पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको पहला स्टेप को कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो आप लोग टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद आप लोग सेटिंग में आ जाएंगे। उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, तो आपको अबाउट फोन में जाना होगा। वहीं से आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो उसके बाद अबाउट फोन में जाने के बाद वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार क्लिक करना होगा। वहीं से आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो आपको 7 बार क्लिक करना है बिल्ड नंबर पर, उसके बाद ही आपका इनेबल होगा। तो अभी आपके लॉक स्क्रीन का पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आप लोग पासवर्ड डाल लेना अपने लॉक स्क्रीन का। तो मैं भी पासवर्ड अपना फिलअप कर रहा हूँ। मेरा इनेबल हो गया है डेवलपर ऑप्शन। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर क्लिक करना है डेवलपर ऑप्शन पर। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है। उसके बाद जो USB लिखा हुआ है इसको इनेबल करना होगा। तो USB को हम इनेबल करेंगे, बस ओके करेंगे। उसके बाद बैक जाएंगे। अगर मैं स्टिक लगा कर अलाउ कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा इनेबल हो जाएगा जीजी माउस प्रो एप्लीकेशन। तो मैं अभी अलाउ कर दिया हूँ। उसके बाद मेरा सभी एक्टिवेट हो गया है। तो मैं अपने दूसरे फोन में चलता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ कि कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने दूसरे फ़ोन में आ गया हूँ। उसके बाद आपको वही स्टेप को फॉलो करना है जो आपने पहले किया था। तो मैं जल्दी जल्दी अपने स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। सेकंड वाला बात आपको करना है, उसके बाद पहले ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। तो मेरा पहले से इनेबल था। उसके बाद मैं अपने आपको USB को इनेबल करना है। उसके बाद बैक जाना है, उसके बाद दूसरा स्टेप अपने आप ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पेयर दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस परमिशन को अलाउ कर देना है जीजी माउस प्रो एप्लीकेशन के। उसके बाद बैक जाना है, फिर से पेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको अलाउ स्क्रीन ऑयले ऑन सेटिंग को आपको इनेबल करना होगा। ऑन करने के बाद बैक जाना है, फिर से पेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस डिबगिंग लिखा हुआ है, इसको आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद टिक लगा कर अलाउ करना होगा। उसके बाद इसी पर क्लिक करना होगा वायरलेस के वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड को आपको उसी पेयरिंग कोड में फिलअप करना होगा। तो मेरे डिवाइस में पेयरिंग कोड 352374 दिखा रहा है, तो मैं अभी अपने पेयरिंग कोड में इसको फिलअप कर लूँगा। उसके बाद दूसरा स्टेप जो पोर्ट वाला है, उसको भी आपको पूरा करना होगा। तो उसके लिए आपको पोर्ट वाले ऑप्शन से एकदम लास्ट में जो 5 डिजिट का कोड है, उसको भी आपको उसी में फिलअप करना होगा। उसके बाद एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक्टिवेट हो गया है जीजी माउस प्रो। तो ऐसे ही आप लोग भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डन करना होगा। उसके बाद ग्रैंड पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करना होगा। अलाउ हो जाने के बाद डन करना है। उसके बाद जो भी आप गेम खेलते हैं, जैसे मैं फ्री फायर खेलता हूँ तो मैं अभी फ्री फायर को ऐड कर लूँगा। आप जो भी गेम खेलते हैं आप उस गेम को ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद आपको लॉन्च करना होगा, तभी जाके आपका गेम ओपन होगा। ओपन करने के बाद आपको की मैपिंग को सेट करना होगा, उसके बाद ही आपका गेम प्ले कर पाओगे। तो की मैपिंग करने के लिए आपको चाहिए कीबोर्ड और एक माउस, उससे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे वहाँ पर की रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि की मैपिंग कैसे करते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं की मैपिंग के ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।